हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? आज हम देखने जा रहे हैं वाह बेटे मौज का दी ट्रेंडिंग मीम्स इंडियन मीम कंपाइलेशन बाय मीमापुर। तो ये मीमापुर की नई वीडियो आ चुकी है। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चले देखते। भैया ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना लें और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, आइला चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा इससे पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई आलिया, अब तो तुम मतलब कपिल शर्मा की भी। अच्छा इस फिल्म में बड़ा मेरा फेवरेट गाना है तम्मा तम्मा लोगे। मैं बचपन में बड़ा नाचा है। लोगे आप? लोगे आप? दोगे? एक्चुअली उनको पूछना ही नहीं चाहिए था लोगे। Hey, y'all come look at this. आइए देखते हैं। मैं बता गया। Yeah. ओके। यार ये वाला सीन। क्या है? क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? तेरे को क्या है? बोलना। अरे तू बोलना तेरे को क्या है? यहाँ क्यों आया? चल क्या है तेरे को? क्या चल क्या है? भाग के जाएगा तू और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों तू यहाँ का मालिक है क्या? हाँ मेरा बाप का जगह। बोल। ओके। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल? हाँ तो गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा, तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या है? हाथ लगा के दिखा। अरे क्या है मर्द, देखिए क्या है तू साला, क्या? मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखा ना, बोलता क्यों है? अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। अरे साला कायर, हिम्मत नहीं है। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। ए भाई लोग, अभी हो गया तुम्हारा टीन टापड़ा, शुरू करेंगे अपन, जा इधर से। प्लीज वेलकम बीबीके वाइंस के भुवन बाम। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे। The next day. भुवन सारे समझ गया। Oh my God, मुझे बढ़िया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Excuse me, इधर क्या नाम है आपका? पवन। उम्र क्या है? 15। अभी से आप ताश खेल रहे हैं। हाँ। इसी उम्र में। हाँ। 15 का लग रहा है क्या? दिक्कतें तो कमाना पड़ता है। क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार? घर पे दिक्कत है तो ताश खेलते हैं, वाह क्या बात है। घर वाले मना नहीं करते आप? नहीं, पापा उधर खेल ले, मैं इधर खेल लूं। तेरा ये मजबूर हैं। और आप नहीं, नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम। अच्छा। और हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि तुम तो ठहरे जन्मजात गांडू, तुम्हारी घर में कहां दम। अरे और वहां के अपनी माँ कश्ती ले गए जहां पानी कम। ठीक है। मुखिया जी, काफी नाम सुना है आपका और जो है आप 5 साल से मुखिया रहे हैं, इस बार भी आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो हमारी जनता को बताइए कि आपने गांव के लिए क्या किया है। अरे हमने गांव का नाम रोशन किया है भाई। अच्छा मुखिया जी जिंदाबाद। ये नशे में भाई साहब आपने दारू पी रखी है? नहीं, बात यह है कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा हाँ मुखिया जी, तो आपने गाँव का नाम कैसे रोशन किया है, बताए हमारी जनता को। देखिए अगल बगल का जो मुखिया सब है, सबके पास बोलेरो है। हाँ। हमारे पास स्कॉर्पियो है। अच्छा। समझ गया। अगर आप इस बार जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? इस बार गांव का नाम और रोशन करेंगे। कैसे? हाँ कैसे? अभी स्कॉर्पियो है, जीतने के बाद वो फॉर्चूनर लेंगे। ऐसा रोशन होता है। नानू कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? चलो देखेंगे, सुनेंगे हम भी। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है,
खाओ केला खाओ केला खाओ 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 खाकर तुमको मिलेगी शक्ति घर में हो 24 घंटे कर लो थोड़ी भक्ति क्या चाहिए दूध कौन सा मानसी का क्या बात करते हैं यार आपको शायद कंफ्यूजन है फिर से बोलना कौन सी दूध चाहिए मानसी का क्या कौन है यू ना नहीं है क्यों स्टॉक खत्म हो गया क्या सब जानना है शट अप तुम क्या मांग रहे हो तुम्हें पता भी है कम से कम 25 बार कह चुका हूँ दूध वो भी मानसी का शट अप मेरा नाम ही मानसी है आंटी यस बेटा एक पागल आया है और मेरा दूध आई मीन मानसी का दूध मांग रहा है अरे तो दे दो ना तुम्हारे पास ही तो है ओहो क्या अरे बाबा कपड़ा हटाओ और दे दो सुनो दोनों मांग रहा है क्या आप ही आके दे दो मैं किसी और को दे रही हूँ समझ रहे हो अच्छा सुन नीचे झुक जा तो दिखाई दे कितने शानदार विचार रखते हैं मैं हूँ वीर गिल्स और मैं आया था इस घने जंगल में और मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ शिकारी बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहे थे मैंने उनको मना किया तो वो कहने लगे कि चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात नहीं लेंगे इन जानवरों के प्राण पर बदले में देना पड़ेगा तुम्हें अपनी गांड मैं कहा भोसड़ी अगर तुमको लगता है कि तुम बंदूक के दम पे हमसे कुछ भी करवा सकते हो सही लगता है मोहनचंद करमदास कौन क्या करमचंद माफ करिए मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है एमके गांधी साहब ने एडिट किया है ये एमके अच्छा था आपको एक हाँ आपके आगे की दुकान खाली है क्या उस पे तो मेरे हस्बैंड का कब्जा है मैंने सुना है आपके हस्बैंड रात में चलाते हैं तो मैं दिन में चला लूंगा रहा नहीं जाता ना बाबा ना सुबह में भी ना मेरे हस्बैंड का सामान उसमें पड़ा रहता है क्या चल रहा है ये यार एक्सक्यूज मी सर क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100% 100% 100% जी हाँ 100% तुम जो ट्यूशन पढ़ने जाता है किसका बहन का फोटो खींचने जाता है नहीं भैया हम नहीं खींचे इसकी बहन का फोटो तुमने खींचा है आज तक हम अपने बहन का फोटो नहीं खींचे झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है भैया बनता है ये देखिए भैया यार बनता फोटो नहीं खींचे क्या कर रहे ठीक है फोन लेके भाग गए ओके तो ये था वाह बेटे मौज करे मीम्स बाय मीमापुर तो मीमापुर का ये वीडियो बहुत ज्यादा डैंग था मतलब इतने दिनों से ऐसा डैंग देखने के अभी मतलब इतना ज्यादा से आदत छूट गई है डबल मीनिंग वाले भी देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं मतलब यूट्यूब के नए कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से ऐसे वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं बिकॉज लाइक ऑल काइंड ऑफ थिंग अभी पता नहीं इसमें भी और कितना मतलब येलो डॉलर आएगा ऑल काइंड ऑफ थिंग बिकॉज ऑफ दैट तो लेकिन नहीं बस थोड़ा ज्यादा डैंग था लेकिन अच्छा था मजा आया सो दैट इज इट फॉर टुडे अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज़ फॉलो दैट टू थैंक यू